नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूजन टेक में। तो गाइस आ गए हूँ आज फिर एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं करने वाला हूँ बोट की तरफ से आने वाले हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग। इसका जो मॉडल नंबर है वो है बोट 600 हेडफोन्स। बताऊंगा आपको हेडफोन्स के बारे में सभी बातें और जानेंगे ये वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बॉक्स की सामने वाली साइड की बात करी जाए तो इसमें कार्तिक आर्यन सर की फोटो दिखेगी जिसमें वो इसी हेडफोन्स को लगाए हुए हैं। साथ ही साथ इसी हेडफोन की कुछ हाईलाइट भी देखने को मिलती है, जैसे कि फॉक्स लेदर के साथ आता है और 20 आवर्स का प्ले टाइम इसमें हमें देखने को मिलता है। और ये एक ऑन ईयर वायरलेस हेडफोन्स है। बॉक्स के पीछे भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसका 3 आवर्स का चार्जिंग टाइम, स्टैंड बाय पे ये 45 डेज का बैकअप दे देगा। कंपेटिबल है बोथ iOS और एंड्रॉयड के साथ। बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें पैसिव नॉइस कैंसिलेशन आता है। याद रखना, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। और स्टीरियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बॉक्स के पीछे हम प्राइसिंग की बात करें तो इसमें हमें 3,990 रुपीज देखने को मिलती है, जो इसकी रियल प्राइस नहीं है। इस हेडफोन्स के हमें दो वेरियंट देखने को मिलते हैं। एक जो मेरे पास है उसकी जो प्राइस है वो 2,000 रुपीज है। एक और इसका कोलकाता नाइट राइडर्स एडिशन आता है पर्पल कलर का, जिसकी प्राइस आपको 2,300 देखने को मिलती है। दोनों ही हेडफोन्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको एक बार जाके चेक कर सकते हो। अब हेडफोन्स को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें कि इसमें साथ ही साथ हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। बॉक्स में हमें ये कैरी बैग देखने को मिलता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छे मटेरियल से बना है, स्पेस भी बहुत ज्यादा है और कहीं लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके साथ। इसके बाद और हमें यूजर मैनुअल देखने को मिलती है, जिसका कुछ ज्यादा खास काम तो होता नहीं है। मैनुअल में जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, इससे हमें हेडफोन्स के बारे में और बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि ये जो है वो ब्लूटूथ वर्जन 4.1 पे रन करता है, ब्लूटूथ 5 नहीं है। इसका जो रेंज है वो अप टू 10 मीटर्स तक है। बैटरी जो है इसमें 450 mAh की बैटरी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें तो आपको बाहर देखने को मिली थी। अगर LED इंडिकेटर की बात करी जाए तो अगर ब्लू LED ऑन है तो वो पावर में है, अगर ब्लिंक कर रही है तो वो पेयरिंग मोड पे है, और अगर रेड है तो वो चार्जिंग इंडिकेटर है। इसमें अगर हमें जो यूनिट्स की बात करिए तो 40 mm के इसमें ड्राइवर यूनिट देखने को मिलते हैं, जो काफी अच्छा है। मतलब इसमें बेस और जो ट्रेबल्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे, देखेंगे क्या चीजें हैं। और इसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम है। इस कार्ड को आपको संभाल के रखना है, ये 1 ईयर वारंटी का कार्ड है। इसमें नॉर्मल माइक्रो USB चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, ऑक्स केबल भी इसमें हमें देखने को मिल जाती है। मतलब कि आप वायरलेसली या वायर्ड के साथ दोनों तरीके से आप गाने को एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी पे। मुझे जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी आप देख सकते हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इजीली सब चीज मूव कर रही है, आप इसे ऐसे करके बंद कर सकते हो जब भी आपको इसको स्टोर करना है, वो चीज है। प्लस अगर आप इसके ऊपर की साइड देखो तो एक अलग टाइप की फैब्रिक यूज है कि जब आप इसे सिर पे लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर इसमें लेदर की डिजाइन है, बोट का इसमें लोगो देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। इसमें हमें रॉकर्स और राइट और लेफ्ट के इंडिकेटर भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको मालूम पड़े कि कैसे आपको ये वेयर करने हैं। अब आपको देखिए नीचे की साइड कितना अच्छे से कुशनिंग है, जब आप इसे कानों में पहनोगे तो आपको जरा भी दर्द नहीं होगा। प्लस इसमें हमें फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं, याद रखना कोई टच बटन नहीं है, ये सारे फिजिकल बटन हैं। आपको इसमें पॉज, प्ले, नेक्स्ट ट्रैक, कॉलिंग रिसीव करने के सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। आपको नीचे की साइड माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक और माइक देखने को मिलता है। प्लस आप अपने हेड के अकॉर्डिंग इस हेडफोन्स को एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी ब्लूटूथ से पेयर होते हैं, टाइम लगता है या जल्दी हो जाते हैं। मैंने इसे ऑन कर दिया है, स्कैन कर लिया है, आ गए हैं, मैं टैप कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में कनेक्ट होते हैं। लो हो गए कनेक्ट, बस काफी अच्छे हैं कनेक्टिविटी में, मुझे तो नहीं लग रहा कोई इश्यू आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और वापस से रिकनेक्ट करते हैं। मतलब कि एक बार आपने पेयर कर लिए हैं, अब बिना पेयर्ड के कितनी देर में आपका ये होते हैं, ये देखिए इंस्टेंट हो गए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लस देख लेते हैं कि अगर आप नेक्स्ट ट्रैक पे या अपने प्रीवियस ट्रैक पे शिफ्ट करते हैं तो कैसे होते हैं, ये भी बटन इसके जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मैंने काफी देर सॉन्ग्स को सुना, बोथ वायर्ड एंड वायरलेसली। मेरा जो कंक्लूजन है,
जैसा मैंने फील किया वायर के साथ, ऑब्वियसली मेरा बेटर एक्सपीरियंस था। उसमें जो बेस और ट्रेबल थे वो एक्स्ट्रा थे, जो पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगे हैं। साथ ही साथ वोकल्स भी बहुत ज्यादा क्लियर थे। ब्लूटूथ के साथ मुझे बेस थे वो थोड़ा सा कम लगा, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कम हो गया था, थोड़ा सा कम हुआ है। और बाकी सब चीजें तो यूजली सेम थी, मुझे वोकल्स थे वो सेम से ही सुनाई दे रहे थे, ज्यादा डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो। तो अगर इनके जो साउंड की अगर मुझे बात करी जाए तो वो वैल्यू फॉर मनी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो गाइस अब मैं इसके माइक से बोल रहा हूँ, आप डिप्रिशिएट कर सकते हैं इजीली। जो वो पहली आवाज थी वो मेरे डिफरेंट माइक से थी, और ये जो अब आवाज है वो इस हेडफोन से है। तो आप अच्छे से जज कर सकते हैं कि इस फोन, इस हेडफोन का जो माइक है वो कैसा है। अब आते हैं गाइस मेरे ओपिनियन पे कि आपको ये हेडफोन्स लेने चाहिए या नहीं। तो मेरी अगर आप माने तो ये हेडफोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात हो, साउंड की बात हो, या किसी तक से कॉल पे बात करनी हो, ये हर एक्सपेक्ट में ये हेडफोन्स अच्छे हैं। और आप अगर ट्रू म्यूजिक लवर हैं और अगर आपका बजट 2000 रुपीज तक है तो आप इस हेडफोन को परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेक करें। और आईपीएल का टाइम चल रहा है तो केकेआर फैंस के लिए स्पेशली केकेआर लिमिटेड मॉडल भी है जो आपको 2300 रुपए का पड़ेगा। दोनों तरीके के जो हेडफोन्स हैं उनके जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप प्लीज एक बार जाके चेक करिए। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। कुछ अच्छा नहीं लगा हो या मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ, फिर एक कोई नए कंपेरिजन टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।